शाहबाद मारकंडा के गांव में बीते कई दिनों से गांव में एक विवादित गली का निर्माण कार्य रुका हुआ था। इसको लेकर ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन और भाजपा कार्यकर्ता पर आरोप था। यह दोनों लोग इस गली के निर्माण कार्य में रोड़े अटका रहे हैं, पर इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने राज्य मंत्री से बात करके और अपने प्रयासों से उस गली का निर्माण करवा कर उनको बदनाम करने वाले लोगों को सीधा जवाब दिया है और कहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास के रास्ते में कभी भी बाधा नहीं बनता है। और साथ ही उन्होंने कहा, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी पूरे शाहबाद के में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवा रहे हैं और आगे भी यह काम जारी रहेंगे। ग्राम वासियों ने अपने गांव में करवाए गए विकास कार्यों के लिए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का धन्यवाद किया। दिन से रुकी पड़ी थी और आज जो विकास कार्य मास से रुकी पड़ी थी जी, यो अब हमारे जो मौजूदा क्या कर रहा है, क्यों रुकी पड़ी थी? ये राजनीतिक देश द्वेष भावना से जी रोक रखी थी मौजूदा सरपंच ने। कितनी लंबी गली है सर ये? कोई 150-200 फुट के लगभग की है। तो अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये गली दोबारा बन गई? अब मंत्री जी के सहयोग से और हमारे जो वाइस चेयरमैन है जी रिंकू चहल जी, इसके प्रयास से इस गली का निर्माण पूरा करवाया गया। तो क्या क्या हो गया आप चेयरमैन के? और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, मंत्री जी का। तो चेयरमैन ने आज तक अपने गाँव में कितने विकास किए? इसने बहुत जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम रिंकू चहल जी के द्वारा करवाए जा रहे हैं जी। तो क्या रहेगा आगे अगर रिंकू चहल में खड़े होते हैं या कोई? अब ज़्यादा से ज़्यादा रिंकू चहल के ही जो कार्य करवाए जा रहे हैं, इसकी गांव में अच्छी छवि है जी। और बहुत ईमानदार आदमी, तो इनके माध्यम से काम हुआ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह है जी। उसने जी रिंकू चहल और मंत्री जी को जाया, इनके प्रयासों से आज रिंकू जी के माध्यम से यह गली बनवाने का काम करा। इस गांव में पार्टी वार्टी के नाते थे रिंकू और मदन का नाम बदनाम कर रखा था, अभी यह गली बनाने देंगे। हमने इस गली का प्रयास मंत्री जी से कह के रिंकू के माध्यम से यह गली बनवाने का काम करा और आने वाले टाइम में मंत्री जी इस गांव में से लीज करके जाएंगे, जो आपको विश्वास। तो 2019 के चुनाव में क्या मंत्री का साथ देंगे आपके गाँव वाले? बिल्कुल देंगे। 55 साल हो गए पार्टी की सेवा करते, आज तक जो काम मंत्री जी ने चाहे गांव में पाइपलाइन का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे गली का हो, चाहे सड़क का हो, यानी चाहे राशन कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, धर्मशाला का हो, हरिजना की चुपाल का एक का 14.5 लाख रुपया आएगा और दूसरी धर्मशाला के लिए ग्रांट मंत्री जी ने पाई थी। तो राज्य मंत्री किशन बेदी का क्या सहयोग रहेगा 2019 में यहाँ से? बहुत बढ़िया सहयोग रहेगा, जो नहीं था वो उससे दुगना सहयोग रहेगा। क्या नाम है आपका? मदन लाल गुप्ता। से मिल रहा है आपको, क्या सहयोग मिला है यहाँ से? बहुत ही अच्छा, मैं इन सबको अपना परिवार मानता हूँ, परिवार समझता हूँ, सब अपने साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो इस गली का निर्माण काफ़ी साल से रुका पड़ा था और आपके माध्यम से और आपने मंत्री जो को कह कुआ कर ये गली बनवाई है, तो इसके बारे में क्या बताओगे? रुका हुआ था इसका काम, कुछ अड़चने आई हुई थी जी। मैं मंत्री जी से मिला और उनसे ग्रांट की मांग की, उन्होंने उसी टाइम ग्रांट वितरित की और इस गली का निर्माण करवाया गया जी। आपके द्वारा ये निर्माण किया गया? हाँ जी, जो आपके ब्लॉक उसके पद ब्लॉक समिति से ये गली का निर्माण किया गया। हाँ जी, तो क्या धन्यवाद करोगे राज्य मंत्री किशन बेदी का? मैं राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और अपने सभी कार्यकर्ताओं मदन लाल गुप्ता जी और देशराज कश्यप जी और जितने मेरे साथी हैं रणधीर चहल जी, जी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शाहबाद से पत्रकार रुबी प्रजापत।